आप प्लीज सुनिए, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी. नो, जो गोल मोल आप मुझसे हमेशा पूछेंगे तो मैं हमेशा जवाब दूंगी. दिस एटीट्यूड इज नॉट गुड. मैं समझ गया. देखिए भाई साहब, आप प्लीज सुनिए. सब सॉरी बोलते हैं आपको, आप प्लीज आराम से सुनिए. देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस. एक तो हम बहुत ही ज्यादा एक जिसे कहते हैं संस्कारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिसमें मैं सूती साड़ी पहन के आऊं और आपको महोदय और भाई कह के एड्रेस करूं, ठीक है? या तो ठीक है कंगना जी, हाय कंगना जी, आपके ठीक सामने कुछ संस्कारी बातें कर लेते हैं. संस्कारी इस कॉस्ट्यूम में संस्कारी बातें नहीं हो सकती भाई. कंगना एंड राज, जस्टिन हियर फ्रॉम पीटीआई टुवर्ड्स योर लेफ्ट. हाय हाय जस्टिन, तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार. अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो. ऐसा है? हाँ, सच लिखता हूँ यार. कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो. इतना गंदा सोचते कैसे हो? अनुपमा, देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमको हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया. तो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी के मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो. सो हाउ ये देश ने आप, उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं. यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना. दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल. और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई. आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था, जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है, हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक, हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर. उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है फिल्म रिलीज होने से, क्योंकि वैसे सीन नहीं है जैसे कि आप लोगों ने बताया है. लेकिन उनका कहना है कि जो आपने बयान दिया था कि डिस्ट्रॉय कर दूंगी करणी सेना को, उसके लिए आप माफी मांगे, वो चाह रहे कि आप माफी मांगे, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी. माफी मैं कभी किसी चीज के लिए नहीं मांगती जिसमें कोई गलती है नहीं. लेकिन हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है और उन्हें हमारा सहयोग देना चाहिए और फिल्म को जो है वो करना चाहिए, बिकॉज वो हमारे भारत की बेटी है. तो सबको मिलकर उस फिल्म को जो है आगे बढ़ाना चाहिए. वो सिर्फ मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, वो पूरे देश की, वो मेरे लिए वही है जो हम सब के लिए है. सो मणिकर्णिका भारत की बेटी है और करणी सेना को भी उनका सहयोग देना चाहिए. और ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है. मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी कहने के लिए नहीं हूँ. What is your question? क्या बोलना? आपकी फिल्म रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. Yes. What do you want to say regarding that? नहीं, well, हम उनको सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और महाराष्ट्र में वो एक बहुत ही ज़्यादा उनका लोगों को उनसे प्यार है, उनका सम्मान करते हैं और हम भी अब लिटरली हम भी महाराष्ट्रनी हैं एक तरह से देखा जाए तो. और उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई भी मराठा बेटी हैं और वो भी महाराष्ट्र को ही बिलोंग करती हैं. तो ये उन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो भी इसी मिट्टी पे पैदा हुई हैं, यहीं की जन्मी हुई हैं. सो हम ये चाहते हैं कि दोनों ही जो महान हस्तियाँ हैं जिन्होंने हमारे जिनके लिए लोगों के दिलों में जगह है, उनके लिए प्यार है. उनको बहुत छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊँगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी. चल रहा है, हम देखते हैं कि काफी जो सेलेब्स है वो एक दूसरे के मूवीज के पोस्ट शेयर कर दे रहे हैं. अक्षय प्रमोटेड लुका छुपी एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. डू यू थिंक परहैप्स यू नो समवन हैड प्रमोटेड मणिकर्णिका द वे दे हैव अदर फिल्म्स फॉर यू आल्सो, इट वुड हैव बीन अ नहीं, मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा. आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्र पुरस्कार मिल चुके हैं. आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर. मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले बहुत बड़ी बात है. लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? What's right? And recently Rakesh Roshan said that even when someone is spreading lies about him. Are sir, this is no, not but, the place no, for that. But I want to know why can't Indian men stand up for themselves? He's a 43-year-old son. Why his father has to come for his rescue always? No, for how long father? They will keep hiding behind their influential big names father. Why daddies have to always You are a part of this country and it's not just about you. Aapke ghar pe pani aaye to theek hai.
आपके पड़ोसी के नहीं आया तो ठीक है, लेकिन अगर आपके चाचा जी के यहाँ नहीं आया तो आपको दर्द हुआ. सो दिस एटीट्यूड इज़ नॉट गुड. और मुझे लगता है कि हमेशा ही आर्टिस्ट का ये कहना, अरे हम तो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, हमें बात नहीं करनी चाहिए. आप बात नहीं करेंगे जो सक्सेसफुल लोग हैं जिनके लिए 25 मीडिया कैमराज इकट्ठे होते हैं, तो कौन बात करेगा? फिर आप फिर सक्सेसफुल हैं क्यों? फिर आपका मायना क्या है सक्सेस का? अपने पैसे कमाए, अपना खाए पिए, मस्ती की. दिस इज़ नॉट द रियल. आपको पेडेस्टल पे इसलिए नहीं रखा हुआ है कि आप अपनी छोटी सी जिंदगी जी के चलते बने. आपको पेडेस्टल पे इसीलिए जनता ने रखा हुआ है कि आप उनके बारे में भी सोचें. मैं ये कह रहा था कि क्या कभी आप पॉलिटिक्स को एज अ करियर एक ऑप्शन के तौर पे देखते हैं? करियर नहीं, पॉलिटिक्स करियर नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है जब भी कोई इंसान, अगर मेरे जैसे इंसान को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए तो उनको पहले तो वैराग्य हासिल करना चाहिए कि जब भी आपको जनता की सेवा करनी है तो ऑब्वियसली इफ़ आई हैव अ फैमिली, आई हैव चिल्ड्रन, आई हैव टू गिव एवरीथिंग अप एंड देन ओनली आई शुड बी एबल टू सर्व द कंट्री. आई थिंक दैट शुड बी द इंटेंशन. करियर पॉलिटिक्स में, करियर में इतनी सक्सेसफुल हूँ, अभी मेरा ये करियर है, मेरे को और कहीं करियर नहीं बनाना है. बट येस, इफ़ आई वॉन्ट टू सर्व माई लैंड देन द ओनली ऑप्शन आई सी फॉर माई सेल्फ इज दैट आई कॉन्ट डू इट एज वेर आई हैव सम वेस्टेड इंटरेस्ट इन सम अदर डिपार्टमेंट, यू नो, बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है. तो आई थिंक जो भी लोग करना चाहते हैं करना चाहिए, मगर उनको किसी तरह से जो है वैराग्य हासिल करना चाहिए. विद मिस्टर इमरान खान कमिंग अप इन द नेबरिंग कंट्री, यू थिंक द थिंग्स विल इम्प्रूव? होपफुली आई मीन वी कैन ओनली होप दैट वी डोंट हैव टू शेड मोर ब्लड. इट्स very unfortunate that our soldiers are dying, and of course the kind of speech Mr. Imran Khan has given is very very nice, and I wish him all the best, and I with my folded hands I really hope and appeal that we have really beautiful relationship. Film dekhne ke baad kare baat bare mein, actually mujhe pata nahi hai itna, to film dekhne ke baad kare. Aap log yahan pe honge ki will you guys be? अच्छा, ओके. तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं. थोड़ा फ्रेम थोड़ा नीचे तक रखना. दीज इश्यूज शुड नॉट बी सेंसेशनलाइज्ड, एंड यू कैन नॉट टेक द नेम ऑफ द एप्लीकेंट. यू कैन नॉट, यू विल बी बिहाइंड बार. ये इनका कारनामा है. मैंने कहा मुझे आप कहीं भी भेजो, मुझे आपकी अदालत में मत भेजो. वो मुझे 3 साल से, रजा सर 3 साल से बुला रहे थे. मैंने कहा मुझे वहाँ मत भेजो. तो मेरे प्रोड्यूसर जो शैलेश जी हैं, तो क्यों आपकी अदालत में जाइए आप डरती हैं क्या? और जो उन्होंने मुझे इतना मेरा खून खोला, मैंने कहा नहीं, मैं किससे नहीं डरती. और अब देखो ये हो गया. देखिए क्या होता है ना कि अब जब आप अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे इंटरव्यू करेंगे तो बोलेंगे इसको कुछ काम धाम नहीं है, कि ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है. तो मैं उनमें से नहीं हूँ जो यू नो जो गोल मोल. आप मुझसे हमेशा पूछेंगे तो मैं हमेशा जवाब दूंगी. मुझे नहीं लगता कि मैं क्या कहूँ अगर मैं ना कहूँ, और अगर ना कहूँ तो क्या कहूँ. ये मुझे समझ नहीं आता है. तो आप ऐसा करिए, मुझे बुलाया ही मत करिए कहीं भी इंटरव्यूज पे, तो सब शांत रहेंगे और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्लोड इन फ्रॉम व्हाट यू सेड अबाउट शबाना आजमी एंड द स्टैंड दैट यू टुक. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? कितना सपोर्ट आया आपको, और आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे किसी का सपोर्ट नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए. लेकिन आई फील दैट वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड अस, वी ऑल नीड टू स्टिक टुगेदर, एंड वी ऑल नीड टू मेक श्योर दैट वेदर इंडिविजुअली और टुगेदर, इफ़ वी कैन, वट एवर वी कैन डू इन आर कैपेसिटी टू सपोर्ट आर कलीग्स. लाइक आई सेड, आप साथ में भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं. हमारी सारी सपोर्ट जो है हमारे कलीग्स के साथ है. बहुत ही ज़्यादा गलत है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये ऐसा नहीं है जो बहुत ही आप लोगों को सुन के हैरानी होनी चाहिए. क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरी बहन जब स्कूल में थी तो उस पर एक स्टूडेंट ने एसिड अटैक किया, राइट? जब मैं अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हूँ तो एक सुपरस्टार मुझे जेल में डालने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज़ वेरी कॉमन, दैट हैपेंस इन आर सोसाइटी. तो आपको इंडिविजुअल को अटैक करना है, और यू वॉन्ट टू अटैक द शोविनिज्म, पेट्रियार्की, और जो हमारी रूढ़िवादी सोच है, तो हमको उसको अटैक करना चाहिए. इंडिविजुअल्स को वी कैन कॉल देम आउट. हम ये कह सकते हैं कि ये आपका बिहेवियर गलत है, जो कि हम कह रहे हैं कि गलत है. और ये सिर्फ लड़कों तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये इसमें महिलाएं भी शामिल हैं.
तो हमको उस सब उस सोच को अटैक करना है और वो हम करेंगे और कर रहे हैं, चाहे अपने काम के ज़रिए, चाहे अपनी स्पीच के ज़रिए, चाहे अपनी फिल्मों के ज़रिए। इसीलिए फिल्में बहुत ही ज़रूरी माध्यम हैं। और फिल्मों को लेके ये कहना कि इस चीज़ को लेके सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि अगर हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं फिल्मों के द्वारा ही पहुंचेंगे। और ये बहुत ही लंबा विषय है, इस पर इस वक्त बात करना ज़रूरी सही नहीं है, क्योंकि ये इवेंट है एंड मेरे भी कुछ लिमिटेशंस हैं एज एन आर्टिस्ट। बट मैं आने वाले दिनों में मैं चाहूँगी एज एन इंडिविजुअल कि अपनी सोच सबके सामने रखूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन टुडे इज़ नॉट द टाइम।